दिवस जो मना रहे हैं ये उसके बारे में 14 मार्च हिंदी च बोलना है जी हिंदी च बोलना हिंदी हिंदी च दस दो सारे यहाँ दो कंपास है इधर 14 मार्च का दिन सतगुरु गुरु हर राय साहब जो सातवें गुरु हैं सिखों के उनके गुरता गद्दी दिवस के रूप में सुबह सिख जगत इसको बड़ी श्रद्धा भावना से मनाना करता है। इस दिन को विशेष तौर पर जो सिख भाईचारा है सिख कम्युनिटी है वो वातावरण दिवस के रूप में इसको मनाना करता है। मैं समझता हूँ कि जितना वातावरण का संदेश वातावरण की संभाल का संदेश गुरु हर राय साहब ने दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। बाल उम्र में जब गुरु हर राय साहब अपने नौलखा पार्क में सैर कर रहे थे कुछ फूलों की पत्तियां बिखर गई और वो वहीं पर उदासित होकर बैठ गए। उनके दादा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी मेरी पीढ़ी के मालिक उन्होंने पूछा भी क्या बात है। उन्होंने कहा ये फूल गिर गया है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बताया कि जब कहीं चलते हैं तो संभाल के चलते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। उस दिन से गुरु हर राय साहब जब भी शहर को जाते थे तो वो अपना जो छोला था उसको संकोच के चलते थे। तो इस बात को ले फिर उनका जो नलखा गार्डन था वो कैसा उस समय का बहुत ही मैं समझता हूँ कि मेडिकेटेड प्लांट्स उस वक्त भी गुरु हर राय साहब ने अपने उस नलखा गार्डन में लगाए हुए थे। और मुगल राज के जो दारा शिकोह था शहजादा था वो बहुत सीरियस बीमार हुआ जब उसके अंदर घोड़े का बाल किसी तरीके से भेज दिया गया तो उसका इलाज करने के लिए कोई दवा दारू कहीं से नहीं मिली। लेकिन गुरु हर राय साहब के ये नलखा गार्डन से एक हरण और एक लौंग एक ऐसे स्पेशल साइज का था जो वहीं से मिला और उससे वो ठीक हुआ उस दवाई से वो ठीक हुआ। तो मैं समझता हूँ उसी दिन से ये सिख कौम के लिए एक बड़ी मान वाली बात है कि हम इस दिन को बड़ी श्रद्धा भावना से वातावरण के दिवस में के रूप में हम मनाते हैं। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस काम के लिए पूरी तरह से वातावरण की शुद्धता के लिए वातावरण को अच्छा बनाने के लिए पोल्यूशन रहित समाज बनाने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले कुछ साल से बड़ी तेजी से जतन कर रही है। प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं लाखों की गिनती में प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और एक लाखों की गिनती में प्लांट्स लगाए जा रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ स्कूल्स में कॉलेजेस में। और मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें भी लगाए जा रहे हैं। हर जगह गुरुद्वारा साहिबान में हम ये प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं। जहाँ कहीं भी हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पर भी हम प्लांट्स जो है वो हज़ारों की गिनती में लगा रहे हैं। हमने अभी फ्रूट्स के प्लांट्स भी लगाए हैं दमदमा साहब में 11 एकड़ में हमने कीनू लगाया है 11 एकड़ में हमने अमरूद लगाया है। और बाछीवाड़े में हमने जो जंगल था जिस पर श्री गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी से यहाँ पर आए थे उससे वो एक बहुत घना जंगल था। इस जंगल से जल के गुरु साहब वहाँ पर पहुँचे थे वो जंगल था बहुत घना तो हमने वहाँ पर जंगली जो वो प्लांट्स थे जो उस वक्त के जो प्लांट्स थे हमने वही प्लांट्स जो है वहाँ पर हम लगाए हैं। और हम एक और भी कई प्लांट्स जो हैं हम जो लगाना जा रहे हैं एक स्पेशल पार्क जो है वो जंगली प्लांट्स का हम लगाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज वातावरण को बचाने की जो बात है ये सबसे पहले का इशू बन चुका है।
क्योंकि गुरबाणी में भी आता है पवन गुरु पानी पिता माता दत्त मात। अगर ये पानी हवा और ये बातें हम बचा ना सके, पानी को की कमी हो जाएगी, हवा प्रदूषित हो जाएगी, तो इसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और भी कई साधन जुटा रही है, गैस के इस्तेमाल को कम करना और कई साधन बना जुटा रही है, जिससे मैं समझता हूँ कि वातावरण की शुद्धता में हम जो है अपना योगदान डालेंगे और दरबार साहब के आने वाले तो हम जो पोल्यूशन है उसको कम करने में पूरा जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, भस्कर कोशिश कर रहे हैं, या उसके आने वाले के जो है पोल्यूशन को कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैं समूह उसी की जगत को बेनती करता हूँ, समूह संसार के लोगों को बेनती करता हूँ कि उस कोमल हृदय वाले गुरु सदगुरु गुरु हरराय साहब जी महाराज, जिन्होंने वातावरण के संबंध में इतना बड़ा उपदेश दिया है सदगुरु गुरु हरराय साहब जी ने, तो उनके गुरुतागति दिवस के दिन अवसर मिल के प्लांट्स लगाएं, हमारे नौजवान पीढ़ी प्लांट्स लगाए और प्लांट्स लगाकर हम अपने वातावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान पा सकें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।